Yeskudam. जो इनकी इस आंख में जो मांस भर रहा है, इसके कारण पानी निकलता और खारिश होती, यीशु नासरी तेरे नाम से जो मांस वहीं पर अपनी जगह पर छाए, जो मांस वहीं पर अपनी जगह पर छाए, अपने वक्त हालेलुया। तो जे सिस्टर का नाम दलजीत है और शिपोये के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि एक साल हो गया था इनकी राइट साइड आँख का मांस बढ़ रहा था, और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे। जे बता रहे कि मांस बढ़ने के कारण आँख का इनकी आँख से पानी निकलता था और इनकी आँख में बहुत ज़्यादा खारिश रहती थी, और जिसके कारण जे परेशान हो चुके थे। और जब जे सिस्टर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा कि मांस बढ़ने के कारण आपका ऑपरेट होगा, और पर इनको शुगर की प्रॉब्लम थी। और जे बता रहे कि एक साल हो गया था जिसके कारण फिर इन्होंने ऑपरेट नहीं कराया, और जे प्रॉब्लम ऐसी बनी थी और जे बहुत परेशान थे, और डॉक्टर ने इनको ड्रॉप्स दिया। तो जे बता रहे कि इन्होंने 5 ड्रॉप्स अपनी आँखों में डाल लिए थे पर फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रहे कि बहुत ज़्यादा इनकी आँख से पानी निकलता था, बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, और कभी कभी तो जे बता रहे कि इनको बहुत ज़्यादा धुंधला भी नज़र आता था, सही तरह से दिखाई नहीं देता था। और जे बता रहे कि जैसे जे सिस्टर 26 जनवरी की मीटिंग में आई, उन्होंने फॉर्म फिल कराया, इनके लिए जब ले एंड हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जो इनकी इस आंख में इसको यहाँ पे जो इनकी इस आंख में जो मांस बढ़ रहा है, इसके कारण पानी निकलता और खारिश होती, यीशु नासरी तेरे नाम से जे मांस वहीं पर अपनी जगह पर छाए, जे मांस वहीं पर अपनी जगह पर छाए, अपने वक्त चल अंधकार की आत्मा निकल, इसकी आँख से छोड़, उसे आस चल छट शट, गंदी आत्मा इसकी आँख को शट चल हमेशा के लिए, चल छोड़ 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 उसकी आँख को शट शट चल छट हमेशा, नेम ऑफ जीसस चल गंदी आत्मा चल चल छोड़ 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 छोड़, आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा शैतान लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है, निकल जा इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसकी आंख से, इसके अंगों से, आउट शट 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 द नेम ऑफ जीसस खुदावन, मैं से आजाद घोषित करता हूँ प्रभु तेरे नाम से, आजाद घोषित करता हूँ खुदावन, आज से सारा पानी बहना बंद हो और उसकी आग अपनी जगह पर जाए। और जैसे इनके लिए लैंड हुई तो जो आँख में मांस बढ़ा था जब एक कनेक्टिविटी के प्रभाव के कारण था, और जैसे लैंड हुई तो परमेश्वर के ग्रेस ने कुछ हुआ, और जिस दिन से जो धन्यवाद में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, तो जब जब भी इनको पर्सनल मीटिंग में बुलाते थे और जो हर समय पर्सनल मीटिंग में आते रहे, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया, और इन्होंने जैसे परमेश्वर के दास इनको पर्सनल इनके साथ मीटिंग करते थे, इनको और भी टीच करते रहे, तो जो विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे, और जो बता रहे कि जैसे इनके ले एंड हुई तो उसके बाद जो विश्वास करते रहे, तो आज बता रहे 3 महीने हो गए इनकी आँख से पानी भी नहीं बहता, और जो खारिश रहती थी उससे भी परमेश्वर इनको फ्री कर दिया है, और जो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेट होगा, आज परमेश्वर के सामर्थ्य से परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। और जो बता रहे 3 महीने हो गए, अभी जी अपनी आँख में ड्रॉप्स भी नहीं डाल रहे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया है। हम अपने हाथों को उठाते हैं, जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया, जो परमेश्वर ने एक साल की प्रॉब्लम थी इनकी आँख का मांस बढ़ता था, और जो रोज ही 5 साल 1 साल से जो 5 ड्रॉप्स डाल रहे थे, तो परमेश्वर ने आज पूरी
पूरी तरह से इनको फ्री कर दिया है। अभी जो बता रही है कि 3 महीने हो गए इन्होंने अपनी आंख में बिल्कुल भी ड्रॉप्स नहीं डाला, और जो डॉक्टर ने कहा था कि आपका ऑपरेट होगा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। अभी इनकी आंख में ना तो पानी बहता है ना काश होती है, अभी ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं और बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने 1 साल की प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। कौन सी आंख थी? जयमसी की पापा जी, ये सच्ची वाली राइट वाली। हाँ जी, अभी आंख को खोलो और कैमरे को झूम करो, जहाँ पास लेकर जाओ, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो दिखाओ जो, अच्छे से कैमरा मत हिलाओ, अपनी आंख को खोल कर रखो, ये देखो अच्छे से साफ करके दिखाओ। अच्छे से ओके। अब देखो परमेश्वर कितना महान है। हाँ, अभी अपने वीडियो में देखा कि जिस समय इन पर प्रार्थना हुई तो पूरा मांस का अंदर, आंख के अंदर ऐसे मांस का टुकड़ा था जो बढ़ता ही जा रहा था, और जिस कारण हमेशा इनकी आंख से पानी निकलता था, दर्द रहती थी और खारिश होती थी। और डॉक्टर ने ड्रॉप्स दे दिया, मेडिसिन तो नहीं ना कोई दी उसने, सिर्फ ड्रॉप्स, और कहा कि सिर्फ ऑपरेट होगा। हाँ जी पापा जी। हाँ देखो पापा जी, जो मास वध्या ही वो मेरी अख दे विच ना, जद मतलब मैं पैंदा वो वजदा भी हुंदा ही अख दे विच, बड़ी परेशानी। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा वो बढ़ गया था कि ऐसे आपको फील होता, महसूस होता कि जैसे जब आप सोते तो ऐसे कोई चीज जैसे बढ़ गई तो ऐसे वजना, मतलब समझने। हां जी, भी जिस तरह अख दे विच कुछ वज रहा इस तरह हुंदा है। हां, तो अब वजना मतलब हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे? चुभता। हां, चुभता भी है ना, ऐसे करके वो लगता था है ना, मतलब महसूस होता था कि मांस बढ़ गया, और जब ऐसे लेटते तो ऐसे लगता कोई चीज मेरी आंख में बड़ी सी ऐसी चीज है। हाँ जी। और इसका हल सिर्फ एक ही था, ऑपरेट होना, ऑपरेशन होना। हाँ जी पापा जी। और एक साल से, कितने समय से आप ये प्रॉब्लम थी आपको? पापा जी साल से। एक साल से आपको? हाँ, यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? 6-7 महीने हो गए। हाँ जी पापा जी, 7 महीने। हाँ जी पापा जी। अभी ये ले हैंड कितनी तारीख की हुई? 26 जनवरी। अब 26 जनवरी से लेकर अभी कौन सा महीना है? मई। 5 महीने, ये 5वां महीना जी। है। और 3 महीने से ये बिल्कुल अच्छे हैं, कोई मांस नहीं, कोई ड्रॉप्स नहीं, कोई दारू नहीं डालते आंख में, कोई मांस नहीं है एकदम से, जो इतना कितना बड़ा टुकड़े जैसा मांस इनके आंख के अंदर हो गया था, टुकड़े जैसा, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं वैसे जब लेटती तो मुझे ऐसे चुभता था, इतना मांस इतना बड़ा बढ़ गया। अब देखो पूरी आंख साफ है, कोई मांस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दारू नहीं, कोई ड्रॉप्स नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई खारिश नहीं, कोई पानी नहीं बहता। खुदावंद ने पूरी तरह से क्या कर दिया, तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य और जीवत है। मैंने कहा वो सामर्थ्य और जीवत परमेश्वर है, इसे लिखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा, लिखा पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित है, बोला अपने पड़ोसी को वो लज्जित नहीं होगा। तू विश्वास करती है, तू विश्वास करता है, जो तू चाहती है, तू चाहता है, तू लज्जित नहीं होगी, तू शर्मिंदी नहीं होगी, तू शर्मिंदा नहीं होगा। खुदावंद सामर्थ्य तेरा जीवित परमेश्वर। आमेन।